मेरे दोस्तों एवं छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे आईपीएससी नामकरण करना। आईपीएससी नामकरण करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। आईपीएससी का पहले पूर्ण फॉर्म समझ लीजिए। आईपीएससी का पूर्ण नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी का नामकरण होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध प्रणाली संघ। अब इसको देखिए, इसके बाद हमारा है सफिक्स एंड प्रफिक्स। सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स मीन्स होता है अनुलग्न और प्रीफिक्स मीन्स होता है पूर्व लग्न। अनुलग्न मतलब होता है किसी भी कार्बन को चयन करने के लिए उनके पहले, अनुलग्न मीन्स होता है बाद में, यानी उनके बाद में कोई शब्द जोड़ देते हैं। जैसे हमारा हो गया CH4 मेथेन। तो सी यानी एक कार्बन को कहते हैं मेथ प्लस इसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा इस तरह का, तो इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन। तो ये हमारा क्या है, अनुलग्न यानी बाद में लगा दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए रूल नंबर एक लिखा है, आईपीएससी नामकरण करते समय सदैव नाम के उस भाग को पूर्व लिखा जाना चाहिए जिससे वो संबंधित हो। हमें जब नामकरण करें इनका तो हमें उस भाग का नामकरण करना चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ते हैं या उसके बारे में नामकरण करना चाहिए। दूसरा रूल लिखिए, आईपीएससी नामकरण करते समय हमें क्रियात्मक समूह यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, हमारा अनुलग्न यानी सफिक्स और पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स और मुख्य क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कार्बन पे अंकन करना चाहिए। जैसे हमारा ये दिया है, हमें कार्बन पे अंकन करना है तो देखेंगे कि इधर से समूह नजदीक है तो इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, हम कार्बन को अंकन कर लेंगे। दिया गया है कि कार्बन पर अंकन उधर से करना चाहिए जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, तो कार्बन पे हमने अंकन इधर से कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से हम गिनते हैं तो 1, 2 दूसरे पे हमारा समूह आता है, इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3 तीसरे पे आता है, इसलिए हम इस तरफ से कार्बन पे अंकन करेंगे। दूसरा नियम देखिए हमारा, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अधिक है यानी एक या एक से अधिक है, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अधिक है तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। जैसे हमारा इसमें लगा है यहाँ मेथिल और इसमें है हमारा फिर OH आल समूह, मेथिल और आल समूह जो है ये हमारा इसमें मेथिल यानी दो मेथिल है, OH एक आल समूह है, तो पहले मेथिल यानी M से आता है और OH वो से यानी आल, तो हमारा मेथिल जो है इसमें मेथिल के क्रियात्मक समूह को सबसे पहले लिख देंगे। अगला देखिए, तो इसका हम नामकरण करेंगे तो पहले हमारा हो जाएगा 2-methyl। इस नियम के अनुसार बोला है हमने ना, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अधिक हो यानी एक से अधिक हो तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करनी चाहिए, जो समूह वर्णमाला में पहले आते हैं उन्हें सबसे पहले लिखना चाहिए और जो बाद में आते हैं उनको बाद में। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसमें जो समूह हमारे दो समूह है मेथिल और OH आल, तो हमारा नामकरण सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेथिल का नियम पहले आता है और वो बाद में आता है तो हो जाएगा 2, 4 टू और 4 2, 4 डाई फिर हाइफन लगा देंगे ऐसे डाई फिर 4 आल हेक्सेन, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं जो हमारा प्राथमिक अनुलग्न है इसको हम पहले लगा सकते हैं कि हेक्स 2, 4 या हेक्सेन 2, 4 डाई 4 आल, इस तरह भी हो सकता है। अगला नियम देखिए हमारा, अगला नियम है आईपीएससी नामकरण में करते समय मूल शब्द के साथ में प्राथमिक अनुलग्न एन यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को एन, एन मतलब होता है एल्केन, एन मतलब एल्केन प्राथमिक अनुलग्न ये हमारे हैं एल्केन और ईन यानी यल्कीन तथा आइन यानी यल्काइन, यानी हम आईपीएससी नामकरण जब करेंगे तो उनमें जो मूल शब्द होगा यानी मुख्य क्रियात्मक समूह, मूल शब्द में जैसे हमारे आते हैं एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ, ये हमारे मूल शब्द हैं। अब मूल शब्द के साथ में हमें प्राथमिक अनुलग्न जोड़ देना चाहिए। जैसे मान लिया लिखा है C2H5
या सी टू एच फाइव ओ एच कोई समूह ले जाए, तो सी दो कार्बन को क्या कहते हैं एथ, और इसके साथ में क्या जुड़ा है एल्किल समूह जुड़ा सी टू एच फाइव, या यू ना कहें हम इसको इस तरह ले लें सी टू एच सिक्स, तो दो कार्बन हमारे हैं तो दो कार्बन को कहते हैं एथ, प्लस हमारा क्या हो गया यथ, तो जो है हमारा वो क्या है मूल शब्द है, जो यथ शब्द हमारा है ये मूल शब्द है, लेकिन इसके साथ में हम एल्केन एल्कीन और एल्काइन ये सब जोड़ देंगे, तो यथ प्लस हमारे इसको हम जब खोलेंगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड का प्रतिस्थापन होगा, ये सिंगल बॉन्ड लगेंगे एथ प्लस एन सिंगल बॉन्ड लगा इसलिए एन कर देंगे तो एथेन हो जाएगा। तो वही इसमें बताया गया कि आईपीएससी नामकरण करते समय मूल शब्द के साथ में प्राथमिक अनुलग्न एन इन आइन जोड़ देते हैं, यानी एल्केन एल्कीन और एल्काइन जोड़ देते हैं। देखिए अगला हमारा जो नियम था वो था जब यौगिक में भिन्न एल्किल समूह, एल्किल समूह एल्किल समूह किसे कहते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने पर जो समूह प्राप्त होते हैं उसको एल्किल समूह कहते हैं, जैसे मेथेन है मेथेन आगे मेथेन मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारा बनेगा मेथिल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे एल्किल समूह। तो लिदिया है जब यौगिक में से भिन्न एल्किल समूह उपस्थित हो तो उनको उनका नामकरण जो होता है वो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखने चाहिए, जैसे हम यहां से यद करेंगे तो एक दो तीन चार पांच, लेकिन हम यहां नहीं करेंगे इधर करेंगे क्योंकि हमारा ये लंबी श्रृंखला है ना, तो इस तरह करेंगे यहाँ पे हमारा दो है ना छह और सात हो जाएगा, तो भिन्न एल्किल समूह उपस्थित हो तो क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जैसे मिथिल है और एथिल है तो मिथिल पहले हमारा आता है कि एथिल आता है ई आएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ई टी एच वाई एल एथिल और यंग ई टी एच वाई एल मिथिल, तो हमारा एथिल पहले आता तो एथिल को लिखेंगे और मिथिल को बाद में लिखेंगे। अगला देखिए आईपीएससी नामकरण करने में सदैव लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, जब हम आईपीएससी नामकरण करेंगे सदैव लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, जैसे हमारा इसमें है एक दो तीन चार पांच, इधर गिनेंगे पांच तो हमारा छोटा हो जाएगा, लेकिन हम इधर ना गिन के इस श्रृंखला में चले आए तो पांच कमा छे तो हमारी लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी, ये हमारी छोटी श्रृंखला हो जाएगी, तो इनका नामकरण हम क्या कर लेंगे इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टू कामा थ्री सॉरी टू कामा फोर, टू पे और फोर पे क्या लगा मेथिल, तो टू कामा फोर डाई मेथिल और फोर आल हेक्सेन, इसका नामकरण इस प्रकार क्या करेंगे टू कामा फोर डाई मेथिल, जब दो बार लगे होते हैं किस समूह में तो डाई हो जाता है, तीन बार लगे हो तो ट्राई, चार बार लगे हो तो टेट्रा, तो टू कामा फोर डाई मेथिल फोर आल हेक्सेन ये हो जाएगा हमारा। तो वही दिया गया है आईपीएससी नामकरण करने में सदैव लंबी श्रृंखला का चयन करना चाहिए, यदि हम ऐसा चयन करते तो हमारा पांच ही अंक आता तो हमारा क्या हो जाता गलत हो जाता, और हमें अंकन सदैव लंबी करनी चाहिए और अधिक अंकन करने चाहिए। अगला नंबर देखिए श्रृंखला में यदि बहु आबंध है एक से अधिक बार हो तो पूर्व लग्न डाई ट्राई टेट्रा आदि को जोड़ दे, इसी श्रृंखला में यदि कोई चीज दो बार हो जैसे इस श्रृंखला में देखिए सीएस3 यहाँ पे भी है और सीएस3 यहाँ पे भी है तो दो बार आया सीएस3 तो क्या करेंगे टू कामा फोर डाई लगा दिया गया, दो बार था तो हमने डाई लगा दिया और तीन बार होता तो ट्राई हो गया, तो वही दिया गया है श्रृंखला में यदि बहुआबंध बहुआबंध यानी अधिक आबंध हो एक से अधिक बार हो तो पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मीन्स जो पहले लगाया जाता है और अनुलग्न मीन्स जो बाद में लगाया जाता है, तो पूर्व लग्न डाई ट्राई टेट्रा आदि जोड़ देते तो हमने डाई जोड़ दिया दो बार है। अगला नंबर देखिए यदि एक ही श्रृंखला में उपस्थित दो द्विआबंधों के लिए डाइन या डाइइन तथा दो त्रिआबंध के लिए ट्राई आइन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा कोई कार्बन है ये देखिए जैसे हमारा ये समूह है एक दो तीन चार कार्बन के लिए चार हो गया, एक दो तीन चार कार्बन के लिए हो गया और दो एक तीन एक चार इसके लिए हो गया, इसके लिए देखिए दो एक तीन चार, तो हम नामकरण चाहे इधर से करें चाहे इधर से समूह दोनों से, तो एक दो तीन चार तो इनका नाम क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इसका नामकरण वन कामा फोर डाई इन
या डाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, डाइन बीच में हाइफन लगा देंगे, डाइन मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन, ये हो जाएगा। हमने बताया ना डाइन या आइन लगा देते हैं, तो लिखा है यदि एक ही श्रृंखला में उपस्थित द्विआबंधों के लिए डाइन या डाइइन तथा दो त्रिआबंध के लिए डाई आइन का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर देखिए, जब श्रृंखला में एक से अधिक, जब श्रृंखला में एक से अधिक शब्द मूल, यानी हमारा जो मेन शब्द होता है, जैसे एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, ये एक को मेथ, दो को एथ, ये हमारे शब्द मूल है, तथा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जैसे सी एच ओ, ओ एच, सिल्वर ओ एच, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह, तथा यौगिक समूह जैसे सी एच थ्री, सी टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन, ये हमारे यौगिक समूह, यानी मूल शब्द यानी कार्बन की संख्या, क्रियात्मक समूह सी एच ओ ओ एच सी डबल ओ एच एन ओ टू एन एच टू, ये हमारे समूह है, तथा यल्किल समूह सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी थ्री एच सेवन यानी मेथिल एथिल प्रोपिल के द्वारा समूह को पृथक कर देते हैं, यानी जब हमारे में ये लगा हो तो उसको हम क्या कर देंगे, मेथिल एथिल सब जोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, समूह लगे हों तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए, यानी इनकी स्थिति को दर्शाने के लिए हाइफन का प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा डैश के रूप में जो होता है उसको हम हाइफन बोलते हैं, यहाँ तो हम बीच में इसके बीच में का लगा देंगे हाइफन, यहाँ में भी जैसे हमने यहाँ लगा दिया, तो हम जब समूह को अलग करना होगा तो हाइफन का प्रयोग करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और यदि कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। जय हिंद जय भारत। देखिए हमने आपको ये चार क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इन चारों का नामकरण आप जैसे एक, ये देखिए हमने आप सभी नियम बता दिए हैं आईपीएससी नामकरण करने के लिए, उस नियम के अनुसार आप इनका नामकरण कीजिए इन चारों का, और हमें कमेंट बॉक्स में एक एक का आंसर दीजिए कि कौन से हमारे क्रियात्मक समूह लगे हैं, या हमारा पूर्वलग्न लगा है, या अनुलग्न लगा है, या प्राथमिक अनुलग्न लगा है, या द्वितीयक अनुलग्न लगा है, जो भी लगे हैं उसको आप बताइए इसमें और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए इसमें जो हमारे चार समूह, चार आपको हमने दे दिया है चार नामकरण करने के लिए, तो इनका आप नामकरण अलग अलग प्राथमिक अनुलग्न के रूप में, या हमारे द्वितीयक अनुलग्न है, जो भी लगे हैं इसमें, में फंक्शनल ग्रुप तो लगे नहीं है किसी में, ये जो भी आपको दिखाई दे उसके हिसाब से आप नामकरण कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या क्या नाम होंगे इनके।